और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, लाजमी नहीं है, ये सरासर गलत है। मैं बड़ी इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे डिसएग्री करता हूं। और हम क्यों बोलते हैं कि मस्जिद एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, लाजमी हिस्सा है, कौन कहता है? कुरान में अल्लाह सूरह आले इमरान में कहता है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह आले इमरान में कि दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह काबतुल्लाह है। सबसे पहली दुनिया में इबादत गाह काबतुल्लाह है, तो फिर ये क्या है? पहली, सबसे पहली इबादत गाह जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई। हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इज्जत के साथ कहना चाह रहे कि ट्रिपल तलाक के जजमेंट में आपने यह कहा, ट्रिपल तलाक को सेटिसफाइड किया कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है। चलिए, हम तो कहते हैं मगर आपकी बात को अगर मान भी लें बहस की खातिर, तो क्या फिर मस्जिद का जिक्र नहीं है कुरान में सूरह आले इमरान में कि दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह अगर है तो काबतुल्लाह है? क्या हदीस में नहीं है? हमको और आपको नहीं बताया गया कि मस्जिद में जाकर पढ़ो क्योंकि 27 मरतबा ज्यादा तुमको उसमें अजर मिलेगा? यह लाजमी हिस्सा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जस्टिस नजीर का जजमेंट सही है। कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट को इस्माइल फारूकी को देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी मजहब एसेंशियल या नॉन एसेंशियल या लाजमी या नॉन जो होगा वो जुडिशरी नहीं तय कर सकती, वो तय करेंगे उस मजहब के उलेमा, उस मजहब के क्लर्जी। आज फैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक काबिल फीमेल जज मोहतरमा इंदु मल्होत्रा जज साहिबा ने खिलाफ किया, डिसेंट किया, और उन्हें कहा कि रैशनैलिटी कैनॉट बी इंपोज हिज बिलीव्स। आर्टिकल 25 के खिलाफ है। जज साहिबा ने कहा मीडिया की रिपोर्ट है कि राइट टू इक्वालिटी नॉट ओवरटेक फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आप बताइए, हम तो यही कह रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, इस्माइल फारूकी का ये कभी ना कभी तो होगा, बाबरी मस्जिद के इस केस में इस्माइल फारूकी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बहुत मना रहे, इनकी बाकी उबाल आ गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। क्या हुआ रे प्यारे, तुम बहुत दिनों से बोल रहे हो गया हो गया, होता ही नहीं कुछ, हो गया क्या हुआ? नहीं हो गया, बस अब देखते आप। मिला क्या देखना मेरे भाई? पैराग्राफ 6.1 पेज 57 जजमेंट का साफ कहता है, मेजॉरिटी जजमेंट कहता है कि इस्माइल फारूकी का डिसीशन जजमेंट इस पर उस पर लागू नहीं होगा। मस्जिद और मंदिर बराबर है, कोई इबादतगाह नीचे नहीं है, ये कोर्ट ने कह दिया। ये लोग पढ़ते नहीं है बेचारे, लिखता है कि ये थम्स अप लिखते हैं लोग, मेरे को सिंगल नहीं डबल पढ़ो बाबा, मालूम चड्डी थाली पहन के लट पढ़ना सीखो। नहीं सीखना आया तो हमारे पास खान साहब के दफ्तर पर चले जाओ, वहां डबल डबल पी नाम है। हसन फारूकी साहब के पास जामे निजामिया में भी, सफी मदनी साहब तो पूरा लिटरेचर है, वहां चले जाओ आप। और अगर और भी समझना तो हमारे हैदर आगा, मगर हो गया, इतनी खुशियां मना रहे, उछल रहे, कूद रहे। बास तो एक बोल दिए कि हमारी जिंदगी का वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। घरों भी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, शायद कल न्यूज वाले इसको तोड़ मोड़ करेंगे, मुबारक करो आप, अच्छा है कि एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस कैसे 29 तारीख दे सकता है। आपको नहीं करना चाहिए,
प्रॉपर्टी मामला आ गया तो नया सीजीए साहब वो डिसाइड बेंच क्या होगा, तारीख क्या होगा। आप जाते जाते तारीख ऐलान कर दिए योर लॉर्डशिप। विद रेस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, ये कैसे होगा बताइए आप। चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या की थी, रोस्टर के ऊपर, रोस्टर के ऊपर था, आपको याद होगा। ये तमाम टेक्निकल चीजें हैं। मुझे यकीन है कि जो मोदी साहब के चाहने वाले मीडिया के लोग तो अभी रात से सुन के खुश हो रहे होंगे, अरे कल के लिए मिल गया हमें मसाला, अब इसको खींचेंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा, तुम क्या, तुम्हारे 100 मिल गया है तो भी नहीं कर सकते। टीवी पे आप बैठो, इनसे आप दलाल बहस करो, फॉरन एंकर बोलो, अच्छा अब आप बोलो इनको, इनका जवाब दो, हम तो थक गए।